मथुरा से बड़ी जानकारी आपको दे दें, पुलिस का बदमाशों पर एक्शन देखने को मिला है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ और 12 घंटे में दो बार मुठभेड़ हुई है। बड़पुरा गांव में ये मुठभेड़ हुई है। इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ और 25,000 इनामी बदमाश घायल है। एक बदमाश फरार बताया जा रहा है। फरार बदमाश की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। 12 घंटे में दो बार मुठभेड़ हुई है। मथुरा एसएसपी शैलेश पांडे के निर्देशन में 12 घंटे के अंदर आपको बता दें कि दूसरी मुठभेड़, और जनपद में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वालों की अब खैर नहीं, एसएसपी ने ये कहा है। दर्जनों इनामिया बदमाशों को एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने सलाखों के पीछे भेजा है। तो गांव बड़पुरा में मघोरा थाना पुलिस के साथ मारपीट और पुलिस से हथियार लूट का ये पूरा मामला। 25,000 के इनामिया बदमाश से कोसी पुलिस की मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में एक बदमाश घायल बताया जा रहा है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश का एक साथी मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस अभी तलाश में जुटी हुई है। तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। मथुरा से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। 12 घंटे में दो बार मुठभेड़ हुई है। तो बड़पुरा गांव में ये मुठभेड़ हुई है। 25,000 इनामी बदमाश घायल और एक बदमाश फरार बताया जा रहा है। फरार बदमाशों की तलाश में अब पुलिस जुट चुकी है। मथुरा से ये जानकारी, जहां पर पुलिस का बदमाशों पर एक्शन देखने को मिला है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और 12 घंटे में दो बार मुठभेड़ हुई है। आज थाना कोसी पुलिस को सूचना मिली थी कि कामर बिछोर बम्बा मार्ग पर कुछ बदमाश आने वाले हैं। इस सूचना पर एसओजी की टीम के साथ कोसी थाने की पुलिस ने इस रास्ते पर चेकिंग आरंभ करी। एक मोटरसाइकिल पे दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। जब उन दोनों व्यक्तियों को रुकने का इशारा किया गया तो उनके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें कि एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। पूछताछ पे उसने अपना नाम सत्येंद्र बताया, जो कि बंडपुरा थाना मगोरा क्षेत्र का रहने वाला है तथा पुलिस मुजामत में वांछित था। इसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी था। आज थाना कोसी, तो मथुरा से जानकारी, पुलिस का बदमाशों पर एक्शन। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, 12 घंटों में दो बार मुठभेड़ हुई है पुलिस और बदमाशों में, क्या कुछ है पूरा मामला रहा, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल आयुष, मैं बताना चाहूंगा कि मथुरा पुलिस की इस समय जीरो टॉलरेंस कार्रवाई चल रही है, जिसके अंतर्गत महिला से छेड़छाड़ की सूचना पर पुलिस गई थी, जिसमें कि जब पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची तो उनकी पुलिस के साथ में मारपीट कर दी गई। मारपीट के बाद में अधिकारियों ने इसमें एक्शन लेते हुए आरोपियों के ऊपर इनामिया घोषित कर दिया था। इनामिया घोषित होने के बाद में पुलिस कुछ चंद घंटों बाद में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के बाद 25,000 रुपए का एक इनामिया बदमाश घायल हो गया। घायल के दौरान उसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया, जिसको की पुलिस ने अपनी हिरासत में ले रखा है। एक आरोपी मौके से फरार हो गया। अगर घायल बदमाश के उससे एक अर्ध तमंचा, 315 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। जी आयुषी, बिल्कुल हमें देखिए, एक बदमाश फरार बताया जा रहा है, जो घायल बदमाश है उससे पूछताछ की गई है, उसने कुछ बताया। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि पुलिस जिस तरह जो महिला से छेड़छाड़ की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी, जिसके साथ मारपीट पुलिस के साथ में बदमाशों ने मारपीट कर दी थी। मारपीट के बाद में अधिकारी भी एक्शन में आए हुए थे। अधिकारियों ने एक्शन आने के बाद में चारों तरफ घेराबंदी कर दी थी, जिसके बाद सूचना पर पुलिस ने इन लोगों को घेराबंदी करने के बाद में एक बदमाश को जिस तरीके से घायल करके गिरफ्तार किया है, दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया था, जिसकी तलाश में पुलिस अभी लगी हुई है। जी आयुषी, चलिए शुक्रिया हमें तमाम जानकारी साझा करने के लिए।